फॉक्स वेलकम टू पीएम एक्सप्लेनर सीजन 2। आई एम आकाश वर्मा, आई एम हियर टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। एक टिपिकल प्रोडक्ट जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो कितने साइकिल्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है। एक टिपिकल प्रोडक्ट बिल्डिंग में आइडिएशन से लेकर के फाइनल मार्केट रिलीज तक और उसके बियॉन्ड भी कई एंड फोर्थ आप चेंजेस कर रहे होते हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। एंड एक प्रोडक्ट बिल्डिंग का जो साइकिल होता है उसमें कई सारी टीम्स भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, क्यूए टेस्टर्स, डिजाइनर्स और अदर स्टैक होल्डर्स। इफ़ वी टॉक देन देर इज़ नो वेल डिफाइंड रूल कि कितने साइकिल्स या स्टेप्स होते हैं, बट टिपिकली मैंने इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। डेवलप आइडिया से लेके उसको वैलिडेट करना, फिर बिल्ड करना प्रोटोटाइप, एंड देन प्रोडक्ट प्रोटोटाइप के बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट बिल्ड करना, देन मार्केटिंग करना उस पर, एंड देन रिलीज करके फिर फाइनल स्टेप इम्प्रूव द प्रोडक्ट। तो लेट्स टॉक वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि आइडिएशन क्या होता है प्रोडक्ट का। जब आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हो तो आपके पास एक आइडियाज़ आने चाहिए कि आप किस पे काम करना चाहते हो। वो आइडियाज़ कैसे आएगा? आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करो, मार्केट में देखो, या टेक्नोलॉजी बिहेवियर है, या फिर अनमीट नीड्स है जो आपके प्रोडक्ट ने अभी तक टैप नहीं कर पाया। इन सारी चीज़ों से आप समझते हो कि क्या चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए, जो कि आइडिएशन फेज कहलाता है। वंस यू गॉट सम आइडिया तो आप वैलिडेट करते हो। आपके पास मे बी 100 आइडियाज़ होंगे, बट देन यू कॉन्ट रियली वर्क ऑन द 100 आइडियाज़। तो आप स्प्लिट करते हो कि उस 100 में से एक या दो क्या टॉप या मे बी टॉप 3 कौन से फीचर्स हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करो, मार्केट सर्वेज करो, ए बी टेस्टिंग, और इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप उसको नैरो डाउन करते हो उन सारे आइडियाज़ को, जिससे कि आप टॉप के कुछ आइडियाज़ पर काम कर सको। जब आप फिगर आउट कर ले तो फिर आप प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप में अलॉन्ग विथ PRD आप लो फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाते हो और डिज़ाइनर्स के साथ शेयर करते हो। फिर एक वो फिग्मा में हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप बनाते हैं, एंड देन इफ़ बिजनेस नीड तो वो फिजिकल प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। एंड देन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से पूछते हो कि ये कैसा है, मे बी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं या फिर मे बी टीम के स्टैक होल्डर्स भी हो सकते हैं। यू टेक द आइडिया, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल देन यू इंटर इन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बिल्ड द प्रोडक्ट। बिल्ड द प्रोडक्ट में आप क्या करते हो कि इंजीनियरिंग टीम को आप कम्युनिकेट करते हो विद दैट प्रोटोटाइप, और वो इनफ होना चाहिए कि इंजीनियरिंग टीम कन्फ्यूज ना हो। इफ़ देयर कन्फ्यूजन अराइज, आप हो वहाँ पे करने के लिए, बट एज लॉन्ग एज दिस डॉक्यूमेंट इज़ देयर, दिस इट शुड बी क्लियर इनफ कि इंजीनियर टीम समझ सके कि क्या बनाना है उनको। ये फेज स्टार्ट होता है तो इस पर मेनली आप MVP पे फोकस करते हो, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, जिससे क्या होता है कि MVP बनते ही आप मार्केट में आते हो। तो मार्केट में आने के बाद आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक मिलता है। कंपनीज हमेशा जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती तो MVP पहले बना के रोल आउट करना चाहती है, जिससे उनको पता चल सके कि हाँ, ये मिनिमम एफर्ट में बनाया गया ये प्रोडक्ट रियली यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तब उस बारे में फिर हम एक लॉन्ग विजन लेके चलते हैं कि नाउ अब क्या क्या फीचर्स में बनाने। तो वी फोकस इन दिस फेज, वी मेनली फोकस ऑन बिल्डिंग MVP एंड ऑब्वियसली लेटर द होल प्रोडक्ट। नाउ कम्स द स्टेज 5। वी कैन से कि ये पैरेलल स्टेप्स हैं, बट मैंने थोड़ा सा अलग रखा है कि जब एक बार MVP स्टार्ट हो जाए तो मार्केटिंग टीम को थोड़ा आइडिया लगता है कैसा बन रहा है कैसा नहीं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन सॉर्ट ऑफ डू मार्केटिंग, मे बी टीचिंग ऑन सोशल मीडिया और यू नो थ्रू ईमेल और लेटिंग द यूजर्स नो फोकस्ड ग्रुप और द होल मार्केट बाई डूइंग सम कैंपेन कि दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम इन द मार्केट, द वे यू सी फिजिकल प्रोडक्ट रिलीज, मे बी स्मार्टफोन्स और मैकबुक्स और वॉट एवर, बिफोर रिलीज द टीज एंड दे यू नो क्रिएट अ बज, एंड देन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ रिलीज द प्रोडक्ट। सो आप फिर क्या करते हो कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको आप रिलीज करते हो, और रिलीज करने के साथ आप रियल वर्ल्ड का फीडबैक लेते हो MVP का। उससे क्या पता चलता है कि मार्केट में कितने लोग इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कैसे लोग साइन अप कर रहे हैं, और जो रियल यूजर्स जो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो हेल्पफुल होता है आपके लिए। और फिर फाइनल आता है इम्प्रूव द प्रोडक्ट। अब इम्प्रूव द प्रोडक्ट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो की चैलेंज इन इटसेल्फ। ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है कि आप एक प्रोडक्ट MVP लॉन्च कर दे, बट आपका जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है मे बी आपके पूरे नेक्स्ट 1 ईयर के प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर माइट बी सो मैनी एनर्स, कभी कभी पूरी पिवोटिंग करनी पड़ सकती है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कभी ये हो सकता है कि MVP से मेच्योर प्रोडक्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। दिस इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग टॉपिक टू टच अबाउट, बट देन विद द हेल्प ऑफ डाटा विच आई टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जिस पिछली वीडियो में मैंने बोला मैट्रिसेस फॉर प्रोडक्ट मैनेजर, उन सब की हेल्प से और रियल यूजर्स के इंटरव्यू से एंड मार्केट को समझ के
you can sort of, you know, improve your product. That's all. I hope you like the video. Click on subscribe and let us know in the comment what you want to see next.